सोमवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में वेतन बकाया को लेकर विद्युत निविदा कर्मियों ने कंप्यूटरॉनिक इंडिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शहर के 4 विद्युत वितरण खंड के 120 मीटर रीडर, 33 ऑपरेटर और 6 सुपरवाइजरों की सैलरी पिछले 4 महीनों से बाधित है। सीआई कंपनी वेतन देने में हिला हवाली कर रहा है, जिसके विरोध में प्रांतीय संगठन मंत्री विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में निविदा कर्मियों ने कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रांतीय संगठन मंत्री संदीप कुमार श्रीवास्तव और प्रोजेक्ट इंचार्ज सीआई कंपनी सरोज कुमार शर्मा ने कहा, इंकलाब जिंदाबाद, 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 मजदूर पंचायत जिंदाबाद, 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 ऑपरेटर संघ जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, पंचायत जिंदाबाद, 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 पंचायत जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, 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 मजदूर पंचायत जिंदाबाद, जिंदाबाद। संदीप श्रीवास्तव, विद्युत मजदूर पंचायत संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश। हम यहाँ नगर निगम पार्क में आज ये कई महीने से जो सीआई कंपनी के अंडर में काम कर रहे हैं मीटर रीडर लोग और ऑपरेटर संघ के लोग, इनका विध्वस्त शोषण किया जा रहा है। आज पिछले कई महीनों से 3700 रुपए तनख्वाह पर इनको रखा गया है और वो भी 3700 रुपए इनको समय समय दिया जाता है। तो हमारी मांग है विभाग के लोगों, अफसरों से भी और सीआई कंपनी के डायरेक्टर हों कि इनको उचित इनका मुआवजा, इनको वेतन मिले, लेकिन उनको नहीं मिलता है। हम उसका यहाँ विरोध प्रकट कर रहे हैं और जब तक उन वेतन नहीं इनके आरटीजीएस माध्यम से इनके खाते में पहुंच जाता है तो शनिवार से ये काम बंद किए हैं, तब तक काम पे नहीं जाएंगे। सरोज कुमार शर्मा जी, क्या समस्या है? समस्या मिलने ये लोग की सैलरी इशू है कि 2 माह के लोग की डिमांड है कि 2 माह की हमारी सैलरी जो है अप्रैल और मई को मिलना चाहिए। कंपनी से बात हुई है तो उसने बोला है कि अभी मतलब कि कल के डेट में अप्रैल की सैलरी मैं ये कर रहा हूँ, ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, और मई की सैलरी जो है 20 से 25 के बीच में वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो उसी चीज़ को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। बात आपने सुना नहीं? अभी तो कोई बात नहीं हुई है।